हेलो सम्राट, कैसे हो आप सब? आज है दीपिका का बर्थडे, दीपिका अड़कने। जी बिल्कुल सही समझा आपने, दीपिका अड़कने का बर्थडे है और हम लोग आज उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ बाबा साहब की, और बाबा साहब ने एक लेटेस्ट में मैंने उनका एक बुक पढ़ा है जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी है। वो जानकारी क्या है वो भी मैं आपसे बात करूँ। बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अरे तुषिता की तैयारी, और ये रहे बाकी सब। बर्थडे पार्टी इधर है, उधर कहाँ जा रहे हैं? कल हमने सेलिब्रेट किया दीपिका का बर्थडे, और मैं ने कल वीडियो वहीं छोड़ दी थी। आज फिर से नए दिन पे शूट कर रहा हूँ। बाबा साहब ने सोलापुर में महार मांग चमार ढोर भंगी इन सब को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। भारतीय गोलमेज सम्मेलन मतदान समिति की गाड़ी रविवार को सोलापुर में पहुँचने वाली थी, और जिस गाड़ी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोलापुर पहुंचने वाले थे,
और जैसे ही जानकारी लोगों को हुई कि बाबा साहब सोलापुर में इस स्पेशल गाड़ी से पहुंचने वाले हैं, तो उनके जुलूस के लिए, उनके स्वागत के लिए वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए और कुछ स्पृश्य लोगों को वहां पर बाबा साहब से मिलने की और उनका स्वागत करने की अनुमति दी गई। और अनुमति देने के बाद में बाबा साहब का स्वागत पुष्पमाला देकर और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। और स्वागत करने के बाद में दोस्तों बाबा साहब ने वहाँ पर स्फूर्तिदायक एक वक्तव्य किया। सोलापुर के भंगी, महार, मांग, चमार आदि लोगों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा कि आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए। बाबा साहब ने कहा कि महार, मांग, चमार, ढोर, भंगी आदि लोगों को चाहिए कि वे सभी एक साथ एकजुट होकर समता से रहे, एक साथ रहे, एकता से रहे, किसी के भी बहकावे में आकर अपने समाज की एकता को टूटने ना दे, मिलजुल कर रहे, ऐसा बाबा साहब ने कहा। खुद को ऊंचा कहलाने वाले लोग भी हमारे बीच की फूट का फायदा उठाएंगे, इस बात को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने कहा। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही साथ देते रहिए ताकि मैं ऐसे ही बाबा साहब की स्फूर्तिदायक बातों को आपके तक पहुंचाते रहूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सोशल डिज़ायर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।